नाइन्थ क्लास की वैधिक गणित में एक्सरसाइज 1.3 में हम पढ़ेंगे गुणा करना और द्विचीरे गभ्याम विधि से। इस विधि में क्या करना पड़ता है, संख्याओं के आधार पर पहले स्तंभ संख्या निकालनी पड़ती है, उससे फिर समूह संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। तो स्तंभ कितने होंगे, जैसे इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक हैं, आगे लिख लेंगे इसके 0, तो स्तंभ कितने हो जाएंगे, एक तो पहला 4 0 वाला, दूसरा 8 और 2, और तीसरा स्तंभ हो जाएगा 6 6 वाला। तो स्तंभ संख्या 3 है, उसको 2 से गुणा करेंगे 6, उसमें से 1 लेस करेंगे तो क्या प्राप्त होगी, समूह संख्या, यानी समूह संख्या बराबर स्तंभ संख्या गुणा 2 - 1, ये सूत्र हो जाएगा समूह संख्या ज्ञात करने का। क्या होगा, समूह संख्या बराबर स्तंभ संख्या गुणा 2 - 1। तो उसको कैसे करेंगे, स्तंभ 5, समूह 5 बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ, 5 समूह हो गए। पहले समूह में एक एक अंक आएगा 4 और 0, दूसरे में 2 2 अंक आएंगे 4 8 0 2, बढ़ते क्रम में, और अधिकतम के बाद वापस घटते क्रम में, एक एक अंक 2 2 अंक, अधिकतम अंक कितने होंगे, तीसरे में पहुंचेंगे 4 8 6 0 2 6। अगर 4 अंक होते, 4 4 होते, तो इसमें चौथे में कितने आ जाते, 4 अंक आ जाते। अब चौथे समूह में क्या आएगा, घटते क्रम में लेंगे, इधर से 3 अंक आगे, इधर 2 अंक लेंगे इस तरफ से, तो 86 और 26, और इसमें क्या आएगा, लास्ट वाले अंक 6 6। उर्दू तीर्घाभ्याम, उर्दू का मतलब सीधा खड़ा, तो उर्दू मैंने ऊपर गुणा करना है और तिरछा गुणा करना है, जैसी भी आवश्यकता पड़े उसके अकॉर्डिंग। तो ये कितना आएगा, पहले इसको करते हैं, ये ऊपर नीचे गुणा होगा, ये गुणा होगा तिरछा, और प्रत्येक गुणा के बाद एक समूह में प्लस करते हुए चलते हैं, ये आपस में गुणा होंगे साइड वाले, और बीच वाले ऊपर नीचे उर्दू गुणा होंगे, ये क्रॉस मल क्रॉस गुणा होंगे, ये उर्दू गुणा होंगे। कितना आएगा, 0 4 को 0 से करने पर, इसमें कितना आएगा, 4 को 2 से करने पर 8, 8 को 0 से करने पर 0, 0 को 6 से करने पर 0, 6 को 4 से करने पर प्लस 24, और 8 को 2 से करने पर 16, 6 को 2 से करने पर 12, प्लस 8 को 6 से करने पर 48, 6 को 6 से करने पर 36। ये कितना आया, 8 जोड़ने पर ये कितना आएगा, 40, ये कितना आएगा, 60, 12 48, ये कितना आएगा, 36। एक एक अंक ही रखना है प्रत्येक समूह में, यहाँ 0 या 8, इसको ऐसे लिख लेंगे 4 0, इसको लिख लेंगे 6 0, इसको लिख लेंगे 3 6। तो क्या आएगा, पहले 6 आएगा, 3 जुड़ जाएगा 0 में 3 आएगा, 6 जुड़ जाएगा 0 में 6 ही आएगा, 4 जुड़ जाएगा 8 में, 12 का 2 आएगा, असल 1 जुड़ जाएगी अगले में, 0 + 1 1 ही आएगा, तो 12 636 क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें 3 स्तंभ है, तो समूह संख्या उसी प्रकार से 5 बनेगी, 1 2 3 4 5। पहले समूह में क्या आएंगे, 4 और 2 आएंगे, उर्दू गुणा होंगे, दूसरे समूह में 2 अंक आएंगे 4 0 2 1, क्रॉस गुणा होंगे आपस में, तीसरे समूह में 3 अंक आ जाएंगे 403 218, साइड वाले क्रॉस गुणा और बीच वाले उर्दू गुणा, चौथे खंड में इधर से 2 2 अंक आ जाएंगे 0 3 1 18, ये क्रॉस गुणा हो जाएंगे, और पांचवें समूह में 1 1 अंक आ जाएंगे लास्ट वाले, उर्दू गुणा हो जाएंगे, तो बराबर कितना आएगा, 4 को 2 से गुणा करने पर 8, ये कितना होगा, 4 को 1 से करने पर 4, 0 को 2 से करने पर 0,
तीसरे समूह में कितना आएगा, 2 को 3 से करने पर 6 प्लस 8 को 4 से करने पर 32 प्लस 0 को 1 से करने पर 0। चौथे समूह में क्या आएगा, 8 को 0 से करने पर 0 प्लस 3 को 1 से करने पर 3 और 8 को 3 से करने पर पांचवे समूह में 24 आएंगे। तो ये 8, ये 4, ये 38 हो जाएंगे, 32 6, ये 3 और ये कितने 24। प्रत्येक समूह में हमें एक ही अंक रखना है, तो 38 को ऐसे लिखेंगे, 24 को ऐसे लिखेंगे, कितना आएगा, 4 का 4, 2 जुड़ेगा 3 में 5 हो जाएंगे, 8 का 8, 3 जुड़ेगा 4 में 7 हो जाएंगे, 8 का 8 क्या हो जाएगा आंसर 87854। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी तीन तीन अंकों वाली संख्या है, तीन स्तंभ होंगे तो 5 समूह बनेंगे। पहले स्तंभ में आएंगे एक एक अंक शुरू वाले 9 और 2, दूसरे समूह में क्या आएंगे, दो दो अंक 9 0, 2 4 बढ़ते क्रम में, तीसरे में आ जाएंगे तीनों अंक 9 0 6 और 2 4 6, चौथे में घटते क्रम में आ जाएंगे दो अंक आएंगे 0 6 4 6 और पांचवें में 6 6 आ जाएंगे इकाई अंक। ये गुणा होंगे उर्दू, ये क्रॉस गुणा होंगे, ये क्रॉस गुणा और बीच वाला उर्दू गुणा हो जाएंगे, ये उर्दू गुणा होंगे। 9 को 2 से करने पर 18, 9 को 4 से करने पर 36, 0 से 2 को करने पर 0, 2 को 6 से करने पर 12, 9 को 6 से करने पर 54 और 4 को 0 से करने पर 0, 4 को 6 से करने पर 24, 6 को 0 से करने पर 0, 6 को 6 से करने पर 36, तो कितना आएगा 18, ये 36, 12 और 54 66 हो जाएंगे, ये 24 और ये 36। एक एक अंक रखना है, 18 शुरू में 18 रख लो, 3 6 ऐसे लिख लेंगे, 6 6 2 4 3 6, पहले कितना आएगा 6, 3 जुड़ेगा इसमें 4 में 7 आएगा, 2 जाएगा इसमें 8 हो जाएंगे, 6 जुड़ेगा इसमें 6 से 12 हो जाएंगे, एक हासिल, और 3 4, 4 जुड़ेगा 8 में 12 हो जाएगा, असल एक एक और एक 2, 222 800 क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में तीन स्तंभ समूह संख्या 5, पहले समूह में आएंगे 7 और 3, दूसरे में कितने आएंगे 7 4 3 1, तीसरे में आएंगे तीनों अंक 7 4 4 3 1 4, चौथे में जाएंगे पीछे वाले दोनों 4 4 1 4 और लास्ट में जाएंगे 4 4, ये उर्दू गुणा होंगे, 7 और 3 ये क्रॉस गुणा होंगे, ये क्रॉस गुणा और बीच वाला उर्दू गुणा, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये उर्दू बराबर 7 को 3 से करने पर 21 आएगा, ये 7 को 1 से करने पर 7, 4 को 3 से करने पर 12, 4 को 3 से करने पर 12, 7 को 4 से करने पर 28 और 4 को 1 से करने पर 4, 1 से 4 को करने पर 4, 4 को 4 से करने पर 16 और 4 को 4 से करने पर 16, कितना हुआ 21, 12 7 19 और ये 12 28 कितने हो जाएंगे 40 और 4 44, ये 20 हो जाएंगे और वो 16 है ही। यहां से एक एक अंक रखेंगे 20 और ये 16 के रूप में, शुरू में 6 आ जाएगा, 1 जुड़ेगा 0 में 1 आएगा, 2 जाएगा 4 के साथ 6 हो जाएगा, 4 जुड़ेगा 9 में 9 और 4 13 का 3, 1 हासिल, 1 और 1 2, 2 जुड़ेगा 1 में 3, 2 का 2 क्या होगा अपना आंसर 233 616। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें हमें करना द्वंद योग विधि से वर्ग करना है, वर्ग भी एक प्रकार का गुणा ही होता है, जैसे हमने उर्दू तीर गव्यांग विधि में किया है उसी का ही ये रूप है। तो जैसे 44 का वर्ग करना है तो क्या होगा 44 गुणा 44,
तो 44 को 44 से गुणा करने पर क्या बनेंगे, स्तंभ दो हैं, समूह कितने बनेंगे, तीन बनेंगे, दो गुणा दो चार माइनस एक तीन। तो पहले समूह में क्या करते अपन, एक एक अंक रखते, चार और चार, दूसरे में दो दो अंक आते, 44 44, तीसरे में आते एक एक अंक, चार और चार। तो सेम वैसी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर पहले 44 का वर्ग बराबर क्या होगा, शुरू में चार का द्वंद्व, चार का डी, दूसरे समूह में आएगा दो दो अंकों, यानी 44 का डी लिख लो या द्वंद्व लिख लो, और तीसरे में एक एक लास्ट वाला चार का द्वंद्व। बराबर कितना आएगा, चार का द्वंद्व क्या होगा, चार गुणा चार का स्क्वायर, पहले समूह का क्या होता है, स्क्वायर होता है उर्दू गुणा, दूसरे समूह में क्या होता है, क्रॉस गुणा होता है अंकों का और उनका जोड़। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दोनों अंकों का गुणा कर देंगे गुणा दो, तीसरे में क्या हो जाएगा फिर चार का स्क्वायर, ये 16 हो जाएंगे, ये 32 और ये 16। इसी प्रकार से एक एक अंक रखेंगे तो कितना आएगा, 6, एक जुड़ेगा दो में 3, 3 जुड़ेगा 6 में 9, एक का एक, ये क्या हो जाएगा आंसर 1936। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें 5 समूह बनेंगे, तो क्या 3 स्तंभ होंगे, 368 का वर्ग बराबर पहले 3 का क्या होगा इसमें द्वंद्व, फिर 36 का द्वंद्व, फिर 368 का द्वंद्व, और फिर घटते क्रम में लेंगे 68 का द्वंद्व और लास्ट में 8 का डी। तो पहले समूह का द्वंद्व क्या होगा, उर्दू गुणा होता है, ये स्क्वायर होता है, वर्गत स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, 36 का डी क्या होगा, दो अंकों की संख्या का द्वंद्व कैसे निकालते हैं, दोनों अंकों को गुणा करके आपस में दो से गुणा कर देंगे। 3 अंकों का कैसे निकालेंगे, एक तो बीच वाले को छोड़ दो, 38 हो गया, तो 36 की तरह कर लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 8 प्लस, और 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि बीच वाले का उर्दू गुणा होता है वैसे भी। 68 क्या हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या है तो 2 गुणा 6 गुणा 8 कर लेंगे, 8 का क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 9, ये 6 3 18, 2 9 36, ये कितने हो जाएंगे, 8 3 24, 2 9 48 प्लस क्या हो जाएंगे 36, ये कितने हो जाएंगे, 6 2 9 12, 8 96, 8 8 64 हो जाएंगे। अब 9 ऐसे लिख लेंगे, 3 6, ये हो जाएंगे कितने, 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8, 84 को कैसे लिख लेंगे, 8 4, ये 9 6 और इसको 6 4, एक एक अंक रख लेंगे, तो 4 का 4 आएगा, 6 जुड़ेगा अगले में, 6 8 कितने हो जाएंगे 12, 2 लिख दिया हासिल होगा 1, 1 जुड़ेगा 9 में कितने हो जाएंगे 10, 10 जुड़ेंगे 4 में 14, 14 का 4 हासिल 1, हासिल जुड़ जाएगा 8 में, 8 और 1 9, 9 जुड़ेंगे 6 में 15, हासिल 1 जुड़ जाएंगे 3 में 4, 4 जुड़ जाएंगे 9 में, 9 और 4 13, तो 135 424 क्या होंगे आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 4 अंक हैं संख्या में, 1234, तो इसका वर्ग द्वंद्व योग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, तो 4 अंक हैं तो समूह बनेंगे कितने, 4 स्तंभ हो जाएंगे, 4 2 8, 8 में से 1
हम करेंगे तो सात समूह बनेंगे। तो उसमें पहले करेंगे एक का द्वंद डी, एक का द्वंद, फिर करेंगे दो दो अंकों का बढ़ते क्रम में 12 का डी, फिर 123 का डी, फिर 1 2 3 4 का डी, फिर क्या करेंगे घटते क्रम में ले लेंगे इधर से 234 का डी, फिर 34 का डी, और फिर क्या आएगा 4 का डी। एक का डी तो क्या होगा पहले का वर्ग हो जाएगा एक का वर्ग, 12 का डी क्या होगा दो अंकों वाली संख्या का आपस में गुणा करके दो से गुणा कर देंगे एक गुणा दो, 3 भी क्या हो जाएगा बीच वाले को छोड़ दो तो कितना होगा 13, 13 दो अंक वाली बन गई तो 2 × 1 × 3 कर देंगे 12 की तरह, और बीच वाले का क्या कर देंगे वर्ग करके 2 का स्क्वायर। इसमें 4 अंक है, 4 में शुरू वाले और छोर वाले क्या होंगे क्रॉस गुणा, और बीच वाले भी आपस में क्या होंगे क्रॉस गुणा, तो छोर वाले कितने हो जाएंगे 1 4, बीच वाले 2 3, तो 14 1 4 मतलब 2 × 1 4 कर लेंगे इनको 2 से गुणा करके, प्लस बीच वालों को भी 2 से गुणा कर दें 2 × 3, ये 3 है, इसमें 2 और 4 को 2 से गुणा कर दें, साइड वाले को 2 और 4 को 2 से गुणा कर दें, बीच वाले 3 को प्लस करके स्क्वायर कर देंगे 34 के स्क्वायर क्या हो जाएगा दोनों अंकों का गुणा, गुणा 2 कर दिया, और 1 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 7 समूह हो गए। अब पहले समूह का वर्ग 1 का 1 ही आएगा, ये 2 2 4 हो जाएंगे गुणा करने पर, इसमें 2 × 2 6 हो जाएंगे, 2 × 3 6 हो जाएंगे, 2 × 3 6 इसमें 2 को गुणा करेंगे 1 से, फिर 3 से 2 × 3 6 हो जाएंगे, 2 का वर्ग 4, ये 2 को 1 से फिर 4 से कितना जाएंगे 8, प्लस 2 को 2 से फिर 3 से कितना हो जाएंगे 12, 2 को 2 से फिर 8 से कितना हो जाएंगे 2 2 4 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएंगे 2 × 3 6 6 24 हो जाएंगे 16। तो ये 1 4 10 12 8 20 16 9 25 24 16, अब इनको एक एक अंक के रूप में लिख लेंगे, अब इनको एक एक अंक करके लिख लेंगे 1 0 2 0 2 5 2 4 1 6, तो कितना आएगा 6, 1 जुड़ेगा 4 में 5 हो जाएंगे, 2 जुड़ेगा 5 में 7 हो जाएंगे, 2 जुड़ेगा 0 में 2, 2 जुड़ेगा 0 में 2, 1 जुड़ेगा 4 में 5, और 1 का 1 तो 15 22 756 क्या होगा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी क्या होंगे 7 समूह बनेंगे, तो फर्स्ट समूह क्या होगा 27 81 का वर्ग बराबर, पहला समूह होगा 2 का डी, दूसरे में 27 का डी, तीसरे में 278 का डी, चौथे में 27 81 का डी, बढ़ते क्रम में, अब घटते क्रम में आ जाएगा इधर से 781 का डी, फिर 81 का डी, और फिर 1 का डी। 2 का डी कितना आएगा 2 का स्क्वायर, 27 का डी क्या आएगा दो अंकों को गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 2 × 7, 3 अंकों की संख्या है तो साइड वाले अंकों को 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 2 × 8 कर दिया, और बीच वाले का वर्ग कर देंगे प्लस करके,
उसमें चार अंक हैं, तो इसमें और छोर वाले और बीच बीच वाले दो दो मानकर बस गुणा कर देंगे, जैसे दो और एक को गुणा कर देंगे आपस में, दो और एक को आपस में गुणा कर दिया, फिर इसको दो से गुणा कर दिया, प्लस बीच वालों को भी क्या है दो से गुणा कर देंगे, दो गुणा सात गुणा आठ। अब ये सात से इक्यासी कर डी क्या होगा, सात और एक को कर देंगे दो से गुणा, प्लस बीच वाले का वर्ग आठ का वर्ग कर देंगे, और ये इनको कर देंगे आपस में गुणा करके दो से गुणा, एक होगा इक्यासी का डी और एक का डी क्या हो जाएगा एक का वर्ग। दो का वर्ग कितना होगा चार, ये दो दो चार सात अट्ठाईस हो जाएंगे गुणा करने पर, ये आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस, सात का स्क्वायर उनचास, ये दो दूनी चार गुणा एक चार ही आएंगे, प्लस आठ सात छप्पन, छप्पन दूनी एक सौ बारह, और ये कितने हो जाएंगे सात दूनी चौदह प्लस चौसठ, ये हो जाएंगे आठ दूनी सोलह, एक का वर्ग एक ही आएगा, चार का चार अट्ठाईस का अट्ठाईस, जोड़ करने पर नौ दो ग्यारह, चार तीन सात और एक आठ, ये एक सौ सोलह हो जाएंगे, चौदह चौसठ कितने हो जाएंगे चार चार आठ, चार एक सात हो जाएंगे, सोलह का सोलह एक का एक। अब एक एक अंक रखेंगे, चार दो आठ, आठ एक, ग्यारह छः, सात आठ, एक छः और एक, बराबर कितना आएगा यहाँ लिख देता हूँ, शुरू में आएगा एक, फिर आएगा छः, एक जुड़ेगा आठ में कितने हो जाएंगे नाइन, सात जुड़ेंगे छः में कितने हो जाएंगे तेरह, तेरह का तीन इसलिए एक बचेगी, ग्यारह से जुड़कर हो जाएगी बारह, बारह जुड़ेंगे एक में तेरह, तेरह का तीन हासिल फिर एक आएगी, और जुड़ेगी आठ में नौ हो जाएंगे, नौ जुड़ेंगे आठ में सत्रह हो जाएंगे, हासिल हो जाएगी एक, एक जुड़ेगा दो में तीन, तीन जुड़ेंगे चार में सात, क्या होगा आंसर 77 33 961।